तो हम जा रहे हैं आज है गंगा स्नान दशहरा और बस तैयारी हो गई है। ये है मेरा आज का लुक, बस निकलने वाले हैं। सभी आईडी किससे ले रहा है? अच्छा अच्छा, चलिए तो चलते हैं और फिर आपको भी दिखाएंगे। हम सब खुश होके चलते हैं, उनके भी रेडी बाय। क्या मेट्रो एक मशीन बन रही है। आज सुबह सुबह तैयारी हुई है गंगा स्नान की और पहले से पहले मतलब सब ने बोला कि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। आज दशहरा उनकी खांसी वासी सब हो रही है। जय माता दी, जय गंगे माई। तो अब बाकी निकल गए तो निकल गए आप घर से, अब तो गंगा जी तो जाएंगे नहान करके, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो। चलो ये एरिया हमारे में सच में ये सबसे ज्यादा दानी बना है। अर्धेव जब बीक पीछे बैठा ना, ये तो कितनी भूख क्या निकाल लिया खाने को बता। सच में अजय पीछे बैठा है, पीछे बैठा है, बुक्कर की औलाद है, बुक्कर वा की कौन है ना, क्या अनुसार नहीं ये तो ना है, मेरे शिवम तो ना है सर। तुम दोनों पापा बेटा हो ना, मेरा बोखा तो देखो यहाँ पे ना इतनी सुंदर सुंदर सी है ग्रीनरी के साथ। आज दशहरा ना तो यहाँ वो देखो सुंदर, कौन सुंदर वो देखो ना कितना सुंदर है। कल बता क्या कह रहे हैं, जब बोलो खा रहा है ना सूख है उसको ना। ले ये देखिए स्टैंड है कहाँ से गिरा, अरविंद आ गया देखिए अरविंद को। ये रहा सब कच्चे बच्चे ने मैं सिंपल ही आ जा एक बार सेवा ढावा, वेलकम टू शिवा ढाबा। ये मम्मी येरी पापा मम्मी की जोड़ी और हमारे मामा क्या एंटर कर रहे हैं आप। ये यहाँ की स्पेशल थाली तो लेकिन है 250 की नहीं तो दे रही गोभी को मामा को। अरे तेरा गोभी बीच जलेगा नहीं, ये तंदूर में करते हैं ना इसलिए हो गई। ये इसकी सही है हमारे चाय भी इसके साथ। अरविंद तू दही दही इसमें दे दो, चाय लेंगे। मेरा है आलू प्याज बोलो कौन सी लोगे, दाल ही ले लो तड़का दाल। दाल फ्रेश बनती है ना भाई, क्या जुगाड़ लगा है। ओ ये तो अरविंद शिवम अरविंद गर्मी की वजह से मक्खन बस चूर चूर नान टाइप होगा। चलो खा ले फिर मिलेंगे। और दोस्तों किस तरह से किस किस के यहाँ पर क्या क्या ऑर्डर किया जाता है, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में तो हमारे यहाँ पर तो अलग अलग चॉइस चलती है। जैसे कि आपने देखा मैंने मंगाया था आलू प्याज का पराठा, बाद में वैसे मुझे कुछ खास नहीं लगा वो, मैंने शेयरिंग किया। मेरे भाई ने मंगाया था गोभी का पराठा
और हमेशा इसी तरह से हमारी कमेंट्स चेंज होती रहती है हमेशा। गर्मी लग रही है। फाइनली हमारा खाना हो गया, लंच वगैरह। अच्छा, नहीं की तैयारी, फर्स्ट स्टॉप ले लिया हमने, है ना। कैसा था खाना? अच्छा, गाड़ी ठंडी कर लो पहले। ओए होए, आग लग रही है गाड़ी में। तेरे का तो ध्यान रखूंगा। बाहर धूप में आकर पहले गाड़ी ठंडी करी। और यहाँ सुनील जी इतने लिए एक्साइटमेंट और डांस करके दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीएनजी पर शिवम को लाइन में लगा दिया है। पेट्रोल वगैरह था गाड़ी में, लेकिन फिर भी सीएनजी डलवाना मस्ट होता है। और मैं यहाँ पर फुल मस्ती के साथ वीडियो वगैरह बना रही थी, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ का एनवायरनमेंट। हवा थी लेकिन गर्म थी। चलो बैठो, जाओ बैठो। अब आ गया इनका ड्राइव थ्रू। क्या लेना? सीधी वीडियो बना ली है। अच्छा, ये वाली बना दे। हां, सीधी वाली। हां, बनाते सीधे खड़े वाला नहीं। एक फोन बोलेगा ना खुद ही सीधे खड़े वाला का भी। चलो, ये वो मतलब वीडियो यहां से लेफ्ट, यहां से लेफ्ट। इसको बता दो, इस विंडो पे ऑर्डर करना। ये रही 17, ये नहीं मानिए। 17 नंबर दो। कितने लेने? 17 चार ले लो, चार दे दो। 79 वाले जो कॉम्बो है ना, जो कॉम्बो है ना 79 वाला, वो दो दे दीजिए। हाँ, हो गया हमारा ऑर्डर ड्राइव थ्रू में। और यहाँ से ड्राइव थ्रू चल ही रहा है अभी, राइट। तेरजिया सर ने कही उतर ही हो मत गाड़ी में सर, उतर गाड़ी में दूर कर। हाँ, दूर हमारा आ गया ड्राइव थ्रू से ऑर्डर। ये दिखा दो, ये बीके कैफे हुआ है बर्गर के। ये क्या बर्गर किंग कैफे में बर्गर थे। अरविंद देख, निकाल पतंजलि वालों ने पूरे घेर रखा सारे में पतंजलि का। पतंजलि हाँ, बाबा रामदेव के ये वाला जो वो है ना कांग्रेस वाला जो ये वाला मंदिर अभी इतना बन गया, तब से गुरु नानक ढाबा इसके आगे वाला मंदिर। अरे नहीं, वाला मंदिर देख कितना तैयार होगा, बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे ना तब से बन रहा है, आधा है पिछली बार जब मैं तो हुआ मूर्ति के वहाँ। देख क्या आनंद आ गया, केला से जुड़ रहे यहाँ पे भी होटल दही दामन। सोचो कितनी गाड़ी, चल भी नहीं रही, अभी तक तो चल रहा है। बेशक खत्म कहाँ हो गई, पूरा तेरी आगे देखना, अभी तो चल ही रहा है। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मतलब जैसे कि दशहरा स्नान था, मैंने रास्ते में भी बोला था, किसी ने हमसे बोला था कि रास्ते में बहुत भीड़ है। पहले हम गंगा जी जाने वाले थे, गंगा जी में कम से कम 3 से 4 घंटे जाम था, काफ़ी तगड़ा। फिर हमने सुना, फिर हमने पोस्टपोन किया वहाँ का, और फिर फाइनल किया हमने हरिद्वार जाने का। हरिद्वार में भी वो कहते लिए कि मतलब जहाँ जाओगे आज के दिन वो मिलेगा, लेकिन अगर फाइनल कर लिया जाए कि भाई आपको जाना है तो जाना है,
बस फिर हम जय गंगे मैया का नाम लेकर हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंच गए थे। दूसरे वाले घाट पे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और अब अरविंद ड्राइव करने लगा था, बहुत देर से इसके जीजा जी कर रहे थे, और जब से इसने फिर ड्राइव करनी स्टार्ट करी इसको भी थोड़ा कंफर्ट फील हुआ। और हमेशा हम, आपने देखा ही है, मैं और मेरा भाई हमेशा प्लान करते रहते हैं नई नई तरह की चीज़ें, और अब सुनील जी भी साथ जाने लगे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी ट्रिप विद माय ब्रदर। चलिए, एक था अमरापुर ना, आंटी जी खुद ही देख रही है सामने से, आंटी जी तो खुद देख रही है, चोट सा लगती है ये कोई कौन सा घाटर भी नहीं, यहाँ से लेफ्ट लेना है ना, वो अपनी गलती भी मान गई। देखो वो रहा आगे, वो खाली पड़ा, वो खाली पड़ा पूरा, मस्त नहीं है अमरापुर, अमरापुर यहाँ से अमरापुर घाट बस। अब चलिए, कब आया तू अयोध्या? जो गए थे मायापुर घाट, ये मुझे याद है। अरे बढ़िया, उसके होंगे पैदल जाएंगे खड़ी जगह गाड़ी कितने सारी। एक नई घाट का दर्शन दिखाते हैं, यहीं कहीं पार्क कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग का यहीं पे करेंगे एंड। फाइनली हम एक नए घाट पर आ गए हैं, ये है अमरापुर घाट, बहुत ही एकदम वीआईपी घाट। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन, और इसी तरह से मेरे व्लॉग एंजॉय करते रहिए, नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहें। बाय बाय।